पूरे उत्तर भारत में हाड़ कपाऊ ठंड और शीतलहर ने आम जनजीवन को बेहाल कर दिया है। इस ठंड का असर भगवान पर भी पड़ रहा है। भगवान को ठंड से बचाने और अपनी सच्ची आस्था को प्रकट करने के उद्देश्य से धर्म की नगरी प्रयागराज के मंदिरों में भगवान को रजाई और कंबल से ढककर और गुड़ तिल का भोग लगाकर इस कड़कड़ाती ठंड से उनकी रक्षा की जा रही है। प्रयागराज के अतरसुईया क्षेत्र में भक्तों और पुजारी ने हनुमान जी के मंदिर में भगवान को ठंड ना लगे इस लिहाज से उनके शरीर को रजाई और कंबल से ढक दिया है। वहीं मंदिर में स्थापित अन्य देवी देवताओं को भी ठंड ना लगे इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। हम लोग प्रयागराज में इतनी ज़्यादा ठंडी है, हद से ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। जब हमें इतनी ठंडी लग रही है तो हमारे प्रभु हनुमान जी महाराज को भी इससे ठंडी लगती है। हम लोग का एक भाव है कि जिस हिसाब से हम लोग अपना जीवन बिताते हैं तो हर अपने जीवन काल में हर चीज़ ड्रेस पहनते हैं, सब चीज़ गर्मी की व्यवस्था करते हैं, तो हमें ये लगता है कि भगवान को भी ठंडी लगती है क्योंकि हम उनकी सेवा में रहते हैं। इसीलिए भगवान के लिए हम लोग हीटर, भगवान के लिए हम लोग हीटर, गर्म दूध, रामदाना की लैया, सब चीज़ भगवान को इसलिए अर्पण करें कि भगवान को भी एक ठंड का जो है अब एक तरह से ठंड लगती है, भगवान को भी राहत मिले, प्रभु को राहत मिलेगी, पूरे ब्रह्मांड को राहत मिलेगी। इसी हिसाब से भगवान की कृपा सब पर बरसेगी, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। गर्म कपड़ों के साथ ही सर्दी जुखाम से बचाने के लिए गुड़ तिल का भोग भी लगाया जा रहा है। मंदिर के पुजारी और रोज आने वाले भक्त भी मानते हैं कि जिस तरह से आम जनजीवन ठंड से प्रभावित है, सर्दी से बचने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, वैसे ही भगवान को भी ठंड से राहत देने की कोशिश की गई है। इससे भगवान को भी राहत मिलेगी और उनकी कृपा सब पर बरसेगी। तिल के लड्डू, तिल के पट्टी खिला रहे भगवान को, ठंड लग रही का बताने के लिए, इसलिए भगवान जी को लोग भोग लगा रहे हैं। और क्या किया है भगवान जी ने? रजाई दी है भगवान जी के। भगवान की ठंड लगती है? हाँ, भगवान की ठंड लगती है। हाँ ठीक।